यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। उन्होंने आपको कोई कंडीशन लगा रखी है, क्या जानना चाहते हैं कंडीशन क्या है? लो सुनिए, पिछली बार भी तो कंडीशन थी, अब भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कह रहे हैं हम उनका वेस्टिंग पीरियड रखेंगे एक साल। अगर हमारी अर्निंग होती है, अगर हमारी अर्निंग होती है, कहां गया, 15%। कहता है अगर हमारी अर्निंग होती है 15% तो वेस्टिंग पीरियड होगा एक साल। क्या ये कंडीशन है? हां, तो ध्यान रखना, ये चार्ट उसने दे दिया, कह रहा है वेस्टिंग पीरियड होगा दो साल अगर हमारी एवरेज अर्निंग होती है, अगर हमारी एवरेज अर्निंग होती है 13%। और फिर वो कहता है हमारे पास इसकी वेस्टिंग होगी थर्ड ईयर में, वेस्टिंग पीरियड होगा इसका थर्ड ईयर, अगर उसकी एवरेज अर्निंग होती है 10%। तो मुझे ये बताओ, क्या क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड जो था वो कंडीशनल कर दिया? वेस्टिंग पीरियड का ही नहीं पता चल रहा, एक है के दो है के तीन है, तो यही नहीं बताया उसने। ओहो हो हो हो, अब क्या कहता है? अब वो कहता है कि 8000 ऑप्शन 2015 तक लैप्स हो गई। ये कौन सी डेट थी? ये थी 1/4/2014। कह रहा है 8000 ऑप्शंस तो लैप्स हो गई, तो वैसे ही ऑप्शन बनती कितनी है टोटल? 1500 × 100 कितनी बनती है? 1,50,000। कह रहा है 1,50,000 ऑप्शन में से 8000 तो खत्म हो गई। फिर उसके बाद कह रहा है अगले वाले वर्ष में 6000 खत्म हो गई। फिर वो कहता है उससे अगले वाले वर्ष में 4000 खत्म हो गई। वो कहता है पहले साल का रिजल्ट क्या आया? आप जानना चाहते हैं पहले साल में अर्निंग कितनी आई? कह रहा है पहले साल में अर्निंग आई 14%। ओह, क्या पहले साल में ही वेस्टिंग हो जाएगी कि नहीं होगी? उसने कहा था पहले साल में ही वेस्टिंग हो जाएगी अगर अर्निंग 15% होती है, अर्निंग 14% है। क्या पहले साल में वेस्टिंग होगी? नहीं होगी। अब अनुमान लगाओ 14% से कौन सा वाला वेस्टिंग पीरियड होना चाहिए, फटाफट से बताओ। 14% अगर यही 14% चलता रहे तो 14% से वेस्टिंग पीरियड क्या होना चाहिए? तो हमने कहा यहां हमारा बेस्ट एस्टीमेट क्या है, फटाफट से बताओ, हमारा बेस्ट एस्टीमेट ऑफ वेस्टिंग पीरियड क्या है? दो साल, क्योंकि भाई 14% वाला इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा, यह हमारा बेस्ट एस्टीमेट है। अच्छा, सोनीपत कह रहा है ये कंडीशन कंपनी ने क्यों लगाई? बेटा कंपनी ने कंडीशन लगाई ताकि इंप्लॉई ज्यादा काम करें, ताकि वो ज्यादा काम करेंगे अगर तो उनको जल्दी शेयर मिल जाएंगे, तो उनको मोटिवेट करने के लिए लगाई। ओके, कह रहा है अगले साल आते आते पता चला कि हमारी अर्निंग 10% बढ़ी है। एक बात बताओ, एवरेज कितनी हो गई? 14 ये थी, 10 ये है, 24, तो एवरेज क्या हो गई? 12%। एवरेज क्या हो गई? 12%। हाँ, जबलपुर क्या डाउट है बेटा? जबलपुर को पहले डाउट आ गया है तो पहले जबलपुर से ही पूछ लें, क्योंकि आगे जाके पीछे आने में दिक्कत होगी। भाई यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लें, क्योंकि आगे फिर हम फटाफट मैथमेटिकली सॉल्व कर देंगे। तो जबलपुर उसने आपसे क्या कहा है? उसने तुमको यह बोलता हूं कि तुम्हारे पिताजी ने क्या बोला तुमको जबलपुर? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पूछा कि बेटा अगर तुम 8वीं क्लास में ही 90% नंबर ले आओगे तो तुम्हें यहीं पे ही बाइक दिलाएंगे, अगर तुम 8वीं और 9वीं क्लास में एवरेज 85% नंबर ले आओगे तो यहां पे बाइक दिलाएंगे। ओके, तो जबलपुर तुम्हारे पिताजी ने मोटिवेट कर रखा है भाई, शुरू में एक ही साल में दिला देंगे पर नंबर ज्यादा होने चाहिए, नहीं तो अगर कम नंबर लाओगे तो 2 साल में दिलाएंगे, और भी कम लाओगे तो 3 साल में दिलाएंगे। फील आ रही है जबलपुर के? नहीं आ रही है, ताकि तुम्हारे को मेहनत कराई जाए। ओके, तो अब वो कहता है ये कंडीशन लगाई कि पहले ही साल में तुम 15% ले आओगे तो पहले ही साल दे देंगे,
नहीं तो तुम 13% एवरेज लाओगे तो 2 साल, 10% एवरेज लाओगे तो 3 साल। ओके जबलपुर, ये बताओ बच्चा लाया कितने नंबर, फटाफट से बताओ बच्चा कितने नंबर लाया। 14% नंबर लाया, और 14% लाया तो बाइक मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या 14% पे बाइक मिलेगी? नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? अब 14% को ही देख लो कि 14% अगर यही चलता रहे 14-14 वाला तो 2 साल में बाइक मिल जाएगी। ओके आओ हम साथ के साथ एक्सपेंस भी निकाल दें, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्शन एक्सपेंस। तो मुझे फटाफट से बताओ नंबर ऑफ ऑप्शंस, एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, टू वेस्ट इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड माइनस प्रीवियस एक्सपेंस। बताओ जी नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट कितना है? जब आप यहां पे खर्चा निकाल रहे हो फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में आपके पास कितनी ऑप्शन, 1.5 लाख में से 8,000 चले गए, कितनी ऑप्शन बची हैं? 142। व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू? 30 रुपीज। 1 साल हो गया, बताओ आज तुम्हें क्या लगता है वेस्टिंग पीरियड 1 साल है कि 2 साल है कि 3 साल है? आज तुम्हें क्या लगता है वेस्टिंग पीरियड क्या है? जो तुम्हें आज लगता है उसी की बात करिए ना। आज तुम्हें यह लगता है कि 2 साल है, माइनस 0, फाइंड आउट योर एक्सपेंस, फाइंड आउट योर एक्सपेंस। प्रीत विहार ने कहा 14,20,000, बहुत अच्छे प्रीत विहार। अगला साल आया, अगले साल आकर के अर्निंग कितनी बढ़ी है? वो कहता है अगले साल आकर अर्निंग 10% बढ़ी है, पर मुझे अब एवरेज देखनी है। मुझे बताओ एवरेज कितनी हो गई? 14 और 10 कितना हो गया? 12%। एवरेज 12% बढ़ी है। मुझे फटाफट से ये बताइए, जब यहां एवरेज 12% बढ़ी है तो 12% का मतलब आपका अब क्या है? पहले बताओ 12% पर आज वेस्टिंग हो जाएगी क्या? 12% पर क्या आज वेस्टिंग हो जाएगी? क्या आप आज वेस्टिंग कर देंगे? वो तो नहीं करेंगे। इसका मतलब अब आप क्या करेंगे? अब आप यहां बेस्ट एस्टीमेट निकालेंगे और आपके हिसाब से इसका वेस्टिंग पीरियड कितना हो गया? 3 इयर्स। अब आप कहेंगे साहब इसका मतलब 3 साल में ऑप्शन तैयार होंगी। पाली कह रहा है 1,42,000 गलत है। 1,42,000 कैसे गलत है? हमारे पास 1500 × 100 1.5 लाख ऑप्शन थी, 8,000 उसमें से चले गए, तो 1,42,000 ही तो आनी चाहिए। क्या गलत है इसके अंदर? पहले साल का, अच्छा ये आंसर गलत है। ओके ये आंसर 21,30,000 है। ओके नो प्रॉब्लम, 21,30,000 है। बिलासपुर बेस्ट एस्टीमेट कैसे निकालेंगे? ये कंपनी का एस्टीमेट है, ओके हमारा नहीं। हमें तो सवाल वाला देता है, हमें तो सवाल वाला कहता है, कह रहा है जी हम 12% पे हैं, तो अगर ये 12% है तो अगले साल 12% ही अगर चलता रहा तो हम इस वाली कैटेगरी में आ गए। इसका मतलब हम 3 साल में वेस्टिंग कराएंगे। जोधपुर, मुझे बताओ सेकंड ईयर में एक्सपेंस कितना होगा? 6,000 और कम कर दो, 142 में से 6 गए तो कितने बच गए? 136। 2 साल, अब मैंने वेस्टिंग पीरियड 3 कर दिया क्योंकि आपका यहां अनुमान 3 का हो गया है। What is your expense? 5,90,000। फिर वो कहता है थर्ड ईयर में आके ये अर्निंग 8% हो गई है। फटाफट से बताओ 8% होने से अर्निंग कितनी हो गई? तो 8% अगर है तो एवरेज कितनी हो गई? 14, 24 और 8, 32। 32/10, 32/3, दिस इज 10.5%। 10.5%, क्या 10.5% से आज वेस्टिंग हो जाएगी? वेस्टिंग डन, क्योंकि आपका 10% का कोटा पूरा हो गया, यानी वेस्टिंग हो गई आपकी। हाँ शक्तिनगर कह रहा है 6-7 कर दो उसको, तो शक्तिनगर 6-7 कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो आपकी वेस्टिंग हो गई, जैसी वेस्टिंग हो गई तो आपका थर्ड ईयर का एक्सपेंस भी निकलाएगा।
4000 और चले गए तो 132,000 × 30 माइनस 26, 27, 20 फाइंड आउट योर एक्सपेंस 12,40,000। बाद में वो हमसे कह रहा है बाद में 1250 लोगों ने ऑप्शंस ली हैं, 1250 ने 100-100 ऑप्शन ली हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो गई हैं और बाकी लैप्स हो गई हैं। तो आप मुझे बताओगे 132 में से 125 वाले ले रहे हैं तो लैप्स कितनी हो जाएंगी, 7000। 132 थी तो 132 में से आपने क्या किया, 125 ले रहे हैं तो इसका मतलब बाकी लैप्स कितनी हो जाएंगी, 7000। तो क्या मैं अपने पास इसकी फटाफट से अब जनरल एंट्रीज डाल दूं, क्योंकि उसने आपसे एंट्रीज मांगी थी इसके अंदर। तो ये एक मसाला क्वेश्चन था, लेकिन मैंने ये नोटिस किया बच्चों का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कह रहे हैं क्या चक्कर है जी, छोड़ो फालतू बातें हैं ये। जनरल एंट्रीज, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू इसॉप रिजर्व 21,30,000 बिंग, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिकॉर्डेड, ये पहले साल की बात कर रहा हूं मैं, ईयर वन, और P&L में इसको राइट ऑफ कर दो। आप सबको बहुत ज्यादा लग रहा है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या चीज, कोई बात नहीं, पहले साल के बाद ईयर टू का खर्चा बताइए, ईयर टू का खर्चा हो गया 5,90,000 बिंग, रिकॉर्डेड, और P&L टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन। वैसे एक बात बताओ, सिर्फ पहली पहली तो खर्चे का ही तो काम होता है, बाकी तो एंट्रियां वही है, ईयर थ्री एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन टू इसॉप रिजर्व 1240 बिंग, अमाउंट रिटर्न ऑफ। अब मुझे ये बताओ, ईयर फोर में कुछ लोगों ने हमको पैसे दे दिए, जितने लोगों ने पैसे दे दिए वो थे 1,25,000, उन्होंने हमको 40 रुपए दे दिए, क्या उनका 1,25,000 वालों का ऑप्शन का रिजर्व भी खत्म हो जाएगा, हम उनको शेयर दे देंगे, बाकी हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम बींग शेयर्स अलॉटेड। जो आपके इसॉप कैंसिल हो गए हैं उन ऑप्शंस को कैंसिल कर दो, बीइंग ऑप्शन लैप्स्ड। तो एंट्रीज में ज्यादा जोर नहीं था इसलिए मैंने एंट्रीज को फास्ट कर दिया है। हां, जबलपुर कह रहा है एवरेज नहीं आ रही है, एवरेज आ रहा है, सेम एवरेज है, आप अपने पास जब देखेंगे एवरेज, तो एवरेज कैसे आएगी, 14 × 12 × 10 × 8/3 तो ये एवरेज आ जाएगी आपके पास। हम नए चैप्टर पे जा रहे हैं, बस एक छोटी सी बात करके, वैसे मैंने तो लिखवा दिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ आरटीपी
नवंबर 2018 इज डिलीटेड. ये इंस्टीट्यूट ने कोर्स से आउट ऑफ कर हटा दिया, रिमूव्ड फ्रॉम कोर्स. ये हमको नहीं चाहिए है. बाकी आप उसको रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, मैंने आपके नोट्स में उसको भी लिखवा दिया हुआ है.